किसी गांव में रेखा और मेघा नाम की बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उनकी सौतेली माँ पूनम बहुत ही जालिम औरत थी। पूनम रेखा और मेघा से सड़कों पर भीख मंगवाया करती थी। हर शाम दोनों बहनें भीख में मिलने वाले सारे पैसे अपनी सौतेली माँ पूनम को दे देती थीं। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं। इसमें तो मेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। मुझे शॉपिंग भी करनी है। देखो अगर कल से तुम दोनों ज्यादा पैसे नहीं लाई तो मैं तुम दोनों की खाल खींच लूंगी। इस तरह पूनम उन दोनों को डरा धमका कर अपनी जरूरतें पूरी करती थी। फिर एक दिन वो दोनों बहनें सड़क पर भीख मांग रही थी, तभी उनके पास एक औरत आती है। अरे इस उम्र में तुम दोनों भीख मांग रही हो, आखिर तुम दोनों को ऐसी क्या मजबूरी है? हमारे माता पिता नहीं है, हमारी सौतेली माँ अपने फायदे के लिए हम दोनों से भीख मंगवाती है। हाँ हम दोनों स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जालिम सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती है, उसी के डर से हमें रोज भीख मांगनी पड़ती है। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ करती हूँ। तभी वहाँ पूनम आती है। अरे कौन है तू और इन दोनों को क्या पट्टी पढ़ा रही है? तुम्हारे जैसी जालिम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इन दोनों मासूमों को स्कूल में पढ़ने की बजाय तुम इनसे भीख मंगवाती हो, तुम्हें अपनी इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। मुझे तेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे सड़क पर पटक पटक के मारूंगी, चल जा यहाँ से। इस तरह पूनम उस औरत को धमका कर वहाँ से भगा देती है। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने किसी अजनबी से दोस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की जुबान काट लूंगी, चलो चुपचाप जाकर भीख मांगो। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, दीदी हमारी सौतेली माँ हमसे जिंदगी भर इसी तरह भीख मंगवाएगी और हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से दूसरे शहर भाग जाना चाहिए, वहाँ मेहनत मजदूरी करके हम दोनों अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ तू ठीक कहती है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आज रात को जब माँ सो जाएंगी तब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर रात को पूनम के सोते ही दोनों बहनें चुपके से दरवाजा खोलकर भाग जाती हैं। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो दोनों रास्ता भटक कर एक घने जंगल में पहुँच जाती हैं। दीदी हम दोनों रास्ता भटक कर जंगल में आ गए, यहाँ की खतरनाक आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, हमें कुछ नहीं होगा, बस चुपचाप चलती रह। फिर थोड़ी देर के बाद उन दोनों को अपने सामने एक बहुत ही सुंदर ढाबा दिखाई देता है। दोनों बहनें बहुत ही भूखी थीं। फिर वो दोनों ढाबे के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ढाबे के अंदर ढेर सारी परियां बैठकर खाना खा रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल उन सभी परियों को खाना परोस रही थी। तभी वो चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। अरे बाप रे, चुड़ैल ने हमें देख लिया, लगता है अभी हमें मार डालेगी। नहीं नहीं मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम दोनों भूखी हो, आओ मैं तुम्हें ढेर सारा खाना देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल दोनों बहनों को बैठा कर उन्हें पेट भर के खाना खिलाती है। अरे वाह ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, सच में इस खाने का जवाब नहीं। मेरा खाना बहुत प्रसिद्ध है, परी देश की परियां यहाँ रोज खाना खाने आती हैं। फिर बातों ही बातों में दोनों बहनें चुड़ैल को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में सब बता देती है। चिंता मत करो मैं तुम दोनों की गरीबी दूर कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल दोनों बहनों को दो सोने की इडली देती है। मैं इस तरह रोज तुम्हें दो सोने की इडली दिया करूंगी, अब आज के बाद तुम दोनों को कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तुम दोनों आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हो। फिर दोनों बहनें चुड़ैल का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद इडलियाँ बेचकर दोनों बहनों को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद वो दोनों स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती हैं और किराए के घर पर रहने लगती हैं। दूसरी तरफ रोज चुड़ैल उन्हें दो सोने की इडली देना जारी रखती है। इस तरह कुछ ही दिनों में दोनों बहनें बहुत अमीर बन जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन पूनम उन दोनों को देख लेती है। अच्छा तो मुझसे भागकर तुम दोनों यहाँ मजे कर रही हो, तुम दोनों के पास इतने सुंदर कपड़े और गहने कहाँ से आए? सच सच बताओ,
वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। फिर वो दोनों पूनम को सारी सच्चाई बता देती हैं। ये लो माँ, ये सोने की इडली तुम अपने पास रख लो और हमारा पीछा छोड़ दो। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, ये इडली नहीं बल्कि उस चुड़ैल का पता बताओ ताकि उसे मारकर मैं सारे सोने की इडली एक साथ हासिल कर लूं। फिर पूनम के डर से दोनों बहनें उस चुड़ैल का पता बता देती हैं। पूनम एक बड़ा सा चाकू लेकर चुड़ैल के ढाबे पर पहुंचती है। उस समय चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी। ये मौका देखकर पूनम चुड़ैल पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसे जोरदार पिछली का झटका लगता है और वो उछल कर जमीन पर गिर जाती है। तभी चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो पूनम को पकड़ के उसकी खूब पिटाई करती है। उसके बाद चुड़ैल पूनम के पैरों में एक जंजीर बांध देती है। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी, आज से तू मेरे ढाबे में नौकरानी का काम करेगी। पूनम चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। फिर उस दिन से पूनम हमेशा के लिए चुड़ैल की नौकरानी बनकर उस ढाबे पर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस तरह पूनम को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसी गांव में सुनैना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सुनैना के गांव में चारों तरफ गरीबी छाई हुई थी। गांव की जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, जिस वजह से गांव वाले वहां खेती नहीं कर पाते थे और उन्हें अपने गुजारे के लिए यहाँ वहाँ मजदूरी का काम करना पड़ता था। अपने गांव वालों की हालत पर सुनैना को बहुत दुख होता था और वह किसी भी तरह गांव वालों की गरीबी दूर करके खुशहाली लाना चाहती थी। फिर एक दिन सुनैना को रागिनी परी के बारे में पता चलता है, जो बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वाली थी। मुझे रागिनी परी से जाकर मदद मांगनी चाहिए, अब वही मेरे गाँव की गरीबी दूर कर सकती है। उसके बाद सुनैना रागिनी के पास मदद मांगने पहुंच जाती है। परी जी, मैंने सुना है आप हमेशा परेशान लोगों की मदद करती हो। मेरे गांव के लोग बहुत गरीब हैं। मैं उनकी गरीबी दूर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे गांव वालों की गरीबी दूर कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हाँ हाँ परी जी, कहिए मुझे क्या करना होगा, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरे घर पे नौकरानी का काम करना होगा। जब मैं तुम्हारे काम से खुश हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जादुई छड़ी दूंगी। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने साथ साथ अपने गांव वालों की भी गरीबी दूर कर सकती हो। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ परी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर उस दिन से सुनैना रागिनी परी के घर पर नौकरानी का काम करने लगती है। सुनैना रागिनी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती और मन लगाकर अपना काम करती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। आज मुझे काम करते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन रागिनी परी ने अभी तक मुझे जादुई छड़ी नहीं दी। पता नहीं मुझे और कितने दिन यहाँ काम करना पड़ेगा। फिर एक दिन सुनैना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। उस औरत की गोद में एक बच्चा था। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह दुखी होकर रो क्यों रहे हो? मेरे बच्चे के शरीर में खून की कमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे खून देना पड़ेगा, लेकिन खून खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ मेरा खून भी मेरे बच्चे के साथ मेल नहीं खा रहा। अगर मेरे बच्चे को जल्दी खून नहीं मिला तो इसकी मौत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद सुनैना उस औरत को अस्पताल में ले जाती है और डॉक्टर से अपना खून चेक करने के लिए कहती है। संयोग से सुनैना का खून बच्चे के खून के साथ मेल खा जाता है। उसके बाद डॉक्टर सुनैना के शरीर से खून निकालकर उस औरत के बच्चे के शरीर में चढ़ा देता है। फिर अगले ही पल औरत रागिनी परी के रूप में बदल जाती है और वह बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। यह देख सुनैना को बड़ा आश्चर्य होता है। ये सब मेरी माया थी सुनैना, तुम्हें परखने के लिए मैंने ये सब किया था। मैं तुम्हारी दयालु भावना देखकर बहुत खुश हुई। अब मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी जादुई छड़ी दे रही हूँ, लेकिन कल इसी वक्त तुम मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस कर देना। जादुई छड़ी पाकर सुनैना बहुत खुश होती है। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके गांव वालों में ढेर सारे नोटों की बारिश करूंगी। उसके बाद सभी गांव वाले अमीर बन जाएंगे। फिर गांव जाकर सुनैना सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है
उसके बाद सुनैना जादुई छड़ी घुमाकर आसमान में एक बड़ा बादल प्रकट कर देती है। फिर अगले ही पल वह बादल चमकने लगता है, जिसके साथ ही बादल से ढेर सारे नोटों की बारिश होने लगती है। यह नजारा देख सभी गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में चारों तरफ नोट ही नोट दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले नोट इकट्ठा करके अपने अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुनैना भी काफी नोट इकट्ठा करके अपने घर में रख देती है। फिर वह रागनी परी को जादुई छड़ी वापस देने उसके घर की ओर चल देती है। लेकिन तभी रास्ते में दो लड़कियां सुनैना का रास्ता रोक लेती हैं। वह दोनों सुनैना के गांव में ही रहती थी। देख सुनैना, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप ये जादुई छड़ी हमारे हवाले कर दे, वरना हम दोनों तुझे जान से मार देंगे। इस तरह वे दोनों लड़कियां सुनैना को धमकाना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी कुछ गांव वाले यह देख लेते हैं। उसके बाद वह लोग दोनों लड़कियों को पकड़कर उनकी पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, छोड़ दो हमें। फिर मार खाने के बाद वह दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती है। उसके बाद सुनैना रागिनी परी के घर जाकर उसे उसकी छड़ी लौटा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनैना के साथ साथ उसके गांव वाले अमीर बनकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन सोनल अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है, लेकिन नदी पार करते समय अचानक उनकी नाव पलट जाती है। फिर वो सभी लड़कियां किसी तरह तैरकर नदी के किनारे तक पहुंच जाती हैं। हमारी नाव तो नदी में डूब गई, अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? आज का तो दिन ही खराब है, हमारे खाने का सारा सामान भी नाव के साथ बह गया, अब हम क्या करें? इस तरह अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, हमें पैदल चलकर ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद उन सभी को जोर की भूख लगती है और साथ ही प्यास की वजह से उन सभी का गला सूखने लगता है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं चला जाता, अगर मैं थोड़ी देर और चली तो बेहोश होकर यहीं गिर पड़ूंगी। सोनल की तरह बाकी लड़कियों का भी यही हाल था। तभी अचानक उन सबके सामने एक चुड़ैल आती है। अरे क्या हुआ लड़कियों, तुम सब बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है? चुड़ैल को देखते ही वो सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। देखो मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूँगी। हम इस जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नदी में हमारी नाव के साथ साथ हमारा सारा सामान भी पानी में डूब गया, अब हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको बढ़िया गोलगप्पे खिलाऊंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुम एक चुड़ैल हो। अरे मेरा यकीन करो, सच में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रही हूँ। देखो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो इस चुड़ैल के साथ चलकर गोलगप्पे खाते हैं। फिर वो सभी लड़कियां चुड़ैल की बात मानकर उसके साथ चलती हैं। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल उन्हें एक बड़े से स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वो स्विमिंग पूल ढेर सारे गोलगप्पों से भरा हुआ था। ये देखकर सभी लड़कियां बड़ी खुश होती हैं और स्विमिंग पूल में उतर कर गोलगप्पे खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी को खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। अरे ये क्या, अचानक ही गोलगप्पे खाते ही हमारी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था इस चुड़ैल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा था, लेकिन ये बात तुम्हें काफी देर से समझ में आई, तुम सभी ने भूतिया गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत हो जाएगी, फिर मैं मजे से तुम सबका मुलायम मांस खाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल सोनल और उसकी सहेलियों को रस्सी से बांधकर उन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठा देती है। फिर चुड़ैल घोड़ा गाड़ी चलाते हुए वहां से अपनी गुफा की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ से सभी लड़कियां मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थीं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर में खून की उल्टियां करते हुए सभी लड़कियां बिल्कुल बेहोश हो जाती है। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक तांत्रिक उस चुड़ैल को देखता है, जिसकी नजर चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी पर पड़ती है।
उसके अंदर लड़कियों को बेहोश देखकर तांत्रिक सारी बात समझ जाता है। ये चुड़ैल मासूम लड़कियों को पकड़कर कहां ले जा रही है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहां एक बड़ा डंडा प्रकट कर देता है। फिर वो उस डंडे पर सवार होकर हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी के सामने पहुंच जाता है। अरे कौन है तू और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है, चल हट जा वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल मैं तुझसे नहीं डरता, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन लड़कियों को छोड़ दे वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, मैं अभी तुझे मारकर खा जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी तलवार से तांत्रिक पर हमला कर देती है, लेकिन तांत्रिक उसी वक्त मंत्र पढ़कर चुड़ैल की तलवार को रस्सी के रूप में बदल देता है। ये जादू देखकर चुड़ैल की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। तभी तांत्रिक रस्सी से फंदा बनाकर चुड़ैल के गले में बांध देता है और उसे पेड़ के ऊपर लटका देता है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे तांत्रिक मुझे नीचे उतारा। फिर देखते ही देखते चुड़ैल की मौत हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक सोनल और उसकी सहेलियों को होश में ले आता है। फिर तांत्रिक उन सभी को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है। इस तरह से उन सभी लड़कियों की जान बच जाती है और वो सभी सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है।